आइलैंड दुनिया की एक ऐसी जगह जहां लोग एकांत में निवास करने के लिए आते हैं या फिर शांति पाने के लिए। चारों तरफ पानी से घिरे ये आइलैंड पूरी दुनिया को अपनी खूबसूरती से आकर्षित करते हैं। लेकिन इस दुनिया में हर आइलैंड अपनी खूबसूरती के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि कुछ आइलैंड अपने खौफनाक किस्सों और अनोखे रहस्य के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जिनके रहस्यों को वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दुनिया के 5 खौफनाक रहस्यमय आइलैंड के बारे में जानेंगे, जो वैज्ञानिकों के लिए सदियों से एक रहस्य बने हुए हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 1, पालमियार आइलैंड। अमेरिकन समाओ हाईवे पर स्थित पालमियार आइलैंड एक श्रापित आइलैंड माना जाता है। इस स्थान में कोई भी स्थायी निवासी नहीं रहता है और ना ही कोई आदिवासी इस आइलैंड में रहते हैं। सन 1798 से इस आइलैंड में कई अनोखी घटनाएं होती आ रही है। इस आइलैंड के ऊपर से कई प्लेन और जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। वैज्ञानिक आज तक इस रहस्यमय आइलैंड के रहस्य को नहीं जान पाए हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये आइलैंड में जो भी जाता है वापस लौटकर नहीं आता, लेकिन कई लोग इस टापू से लौटकर वापस आए हैं, जबकि कई लोग इस टापू पर गायब हो गए हैं। जो लोग इस टापू से बचकर वापस आए हैं उनका कहना है कि इस आइलैंड में उन्हें कुछ रहस्यमय ताकतें महसूस हुई है, जैसा कि इस आइलैंड में कोई भूत प्रेत का निवास स्थान हो। इस घटनाओं की वजह से अमेरिकी सरकार ने इस आइलैंड को श्रापित आइलैंड घोषित कर दिया है। नंबर 2, ला इस्ला दे ला मुनेकस आइलैंड। मैक्सिको सिटी जितनी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, उतना ही खौफनाक यहाँ का ला इस्ला दे ला मुनेकस आइलैंड है। इस आइलैंड को डॉल आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस आइलैंड के हर एक पेड़ और ज़मीन पर हजारों की संख्या में डरावनी व टूटी फूटी डॉल्स लटकी पड़ी हैं। दरअसल ये आइलैंड 1990 में पहली बार लोगों की नज़र में आया, जब मैक्सिको सरकार ने जोनोमिकल कैनाल्स की सफाई का काम शुरू किया था। कर्मचारी सफाई करते हुए इस आइलैंड पर पहुंच गए, लेकिन इस आइलैंड में इतनी सारी डॉल्स कहां से आई और इन्हें पेड़ों पर किसने लटकाया। इस डॉल आइसलैंड की कहानी भी काफ़ी डरावनी है। ऐसा कहा जाता है कि सेंटना बर्रे नाम का एक व्यक्ति शांति चाहता था, जिसके लिए उसने अपने घर परिवार को छोड़कर इस आइलैंड पर एकांत जीवन बिताना शुरू किया। लेकिन सेंटना के इस आइलैंड में पहुंचने के कुछ दिनों बाद ही इस आइलैंड के किनारे एक बच्ची की डूबने से मौत हो जाती है। ये बच्ची अपने परिवार के साथ इस आइलैंड में घूमने आई थी। बच्चे की मौत के कुछ दिनों बाद ही सेंटना को उसी जगह पर एक तैरती हुई डॉल मिलती है, जिस जगह पर उस बच्ची की मौत हुई थी। सेंटना उस डॉल को निकालकर आइलैंड के एक पेड़ में लटका देता है। सेंटना को लगता है कि इस डॉल में उस बच्चे की आत्मा होगी, और अगर उस डॉल को वह पेड़ में लटका देंगे तो उन्हें उस बच्चे की आत्मा परेशान नहीं करेगी। इसके बाद सेंटना को आइलैंड के आसपास कोई भी डॉल मिलती तो उस डॉल को वह पेड़ में लटका देते, और धीरे धीरे इस आइलैंड में डॉल की संख्या हजारों में पहुँच गई। ये डॉल इतनी अधिक संख्या में आइलैंड में कैसे पहुंची, इसका पता ना सेंटना को लगा और ना ही वैज्ञानिक इसका पता लगा पाए हैं। लेकिन सन 2001 में सेंटना बर्रेर की लाश भी उसी आइलैंड के किनारे तैरते हुए मिली, जिस जगह पर उस बच्चे की मौत हुई थी। लेकिन अब यह आइलैंड मैक्सिको का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। हजारों लोग यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन रात के वक्त इस आइलैंड में कोई भी घूमने नहीं जाता। नंबर 3, पोविगिला आइसलैंड। इटली का पोविगिला आइसलैंड कभी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, लेकिन आज इस आइलैंड को आइलैंड ऑफ डेथ कहा जाता है, यानी कि मौत का टापू। लेकिन यह आइलैंड हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से कई सालों पहले इटली में प्लेग की बीमारी फैली थी। इस बीमारी से भारी संख्या में लोग इसकी चपेट में आए। इस प्लेग ने इटली में कोहराम मचा दिया। इटली की सरकार इस बीमारी पर काबू नहीं कर पाई तो करीब 1,60,000 मरीजों को पोविगिला आइसलैंड में लाकर जिंदा जला दिया। लेकिन इस प्लेग के बाद इटली में काला बुखार नाम की एक लाइलाज बीमारी फैल गई और लाखों की संख्या में लोग इस बीमारी का शिकार हो गए। इस बीमारी से जिन लोगों की मौत होती थी उन्हें भी इस टापू में लाकर दफना दिया जाता था। इस आइलैंड के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि इस आइलैंड में अजीबोगरीब आवाजें और आत्माओं के होने का आभास होता है। इन लोगों का ये भी कहना है कि जिन लोगों को इस टापू में लाकर जिंदा जला दिया गया था, इस टापू पर उन्हीं की आत्माएं निवास करती है। इस टापू का रहस्य जानने के लिए कई लोग इस टापू पर गए, लेकिन अधिकतर लोग इस टापू से वापस नहीं आए। जबकि जो लोग इस टापू से बचकर वापस आए हैं उनका कहना है कि इस आइलैंड में शैतानी शक्तियाँ हैं, जिसके कारण यह आइलैंड अब श्रापित आइलैंड बन चुका है। इटली की सरकार ने इस आइलैंड में जाने पर पाबंदी लगा दी है। अगर कोई टापू पर जाना चाहता है तो वह अपने रिस्क पर इस टापू में जाएगा। नंबर 4, ईस्टर आइलैंड चिली। चिली का ईस्टर आइलैंड रूहानी ताकतों या अजीबोगरीब शक्तियों के कारण रहस्यमय नहीं बना है, जबकि इस आइलैंड में बनी अनोखी मूर्तियां इस आइलैंड को रहस्यमय बनाती है। एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच चिली देश में स्थित ये वीरान आइलैंड में करीब 900 रहस्यमय मूर्तियां कई सालों से यहां पर स्थापित है। इन मूर्तियों को मोई नाम से जाना जाता है, जबकि हर एक मूर्ति का वजन 100 टन से भी अधिक है। जबकि सभी मूर्तियां देखने में एक जैसी लगती हैं, पत्थरों की बनी ये मूर्तियां इतनी मजबूत है कि हथौड़े के प्रहार से भी इनमें छोटी मोटी खरोच के अलावा कोई अधिक नुकसान नहीं पहुंचता। इस आइलैंड में मानव जाति के रहने के कोई भी निशान नहीं मिले हैं, तो फिर इतनी अधिक संख्या में ये मूर्तियां आई कैसे और इन्हें किसने बनाया, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है।
हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि एलियंस इस आइलैंड पर आए होंगे और उन्होंने ही इन मूर्तियों को बनाया होगा, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि रापा नुई कहे जाने वाले लोगों ने सन 1250 से लेकर 1500 के बीच में बनाया था, जो इस आइलैंड पर निवास करते थे। इन मूर्तियों को बनाने के पीछे का कारण वह अपने पूर्वजों की याद और सम्मान को बताते थे। लेकिन इन मूर्तियों को बनाने के चक्कर में अधिक संख्या में पेड़ काटे गए तो रापा नुई के लिए इस आइलैंड में रहना मुश्किल हो गया और वो इस आइलैंड को छोड़कर चले गए। इसी के चलते यहाँ बनी मूर्तियों का काम भी अधूरा रह गया, जो आज तक पूरा नहीं किया जा सका है। हालांकि ये सब लोगों के द्वारा कही गई मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, क्योंकि इनका ठोस प्रमाण किसी के पास भी मौजूद नहीं है। नंबर 5, स्नेक आइलैंड, ब्राज़ील। करीब 430,000 वर्ग किलोमीटर में फैला स्नेक आइलैंड दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड है। इस आइलैंड में जो भी जाता है वापस लौटकर नहीं आता, क्योंकि यहाँ रहता है दुनिया के सबसे खतरनाक जहरीले सांपों का बसेरा। इस आइलैंड में 4000 से भी अधिक अलग अलग प्रकार की प्रजाति के जहरीले सांप रहते हैं। ये दुनिया का इकलौता ऐसा स्थान है जहाँ पर इंसानों का नहीं बल्कि सांपों का बसेरा रहता है। ऐसा कहा जाता है कि इस आइलैंड में एक लाइट हाउस मौजूद था और इस लाइट हाउस की देखभाल के लिए एक कर्मचारी अपने परिवार के साथ यहाँ रहता था। एक दिन अचानक उस लाइट हाउस की खिड़की का कांच टूट गया और हजारों की संख्या में सांप घर में आ गए। अगले दिन जब नेवी का एक जहाज उन्हें जरूरी सामान देने पहुंचा तो वहां उनकी काली पड़ी लाश देखकर वह हैरान रह गया, जिसके बाद सांपों की इस दुनिया का राज खुलकर सामने आया। ब्राज़ील सरकार ने द्वीप में जाने पर बैन लगाया है। इस द्वीप पर सांपों के अध्ययन के लिए सिर्फ कुछ ही वैज्ञानिकों को परमिशन मिली है। तो ये थे दुनिया के कुछ 5 रहस्यमय आइलैंड, जहाँ जाना मौत को बुलावा देने के बराबर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस तरह की और भी अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।